सबसे प्योर सबसे हेल्दी। ब्लू माउंट इंडस्ट्रियल प्लांट इंस्टॉल करने का तरीका। सबसे पहले हम प्लांट के लेफ्ट साइड की डोर को पुश लॉक दबाकर खोलेंगे और डोर पर लगे स्प्रिंग हिंज को नीचे की तरफ दबाकर डोर को बाहर निकाल देंगे और उसमें से वेसल यूनियन पॉइंट को खोलकर बाहर निकालेंगे। फिर हम वेसल पर लगे मल्टी पोर्ट वॉल्व को घुमाकर खोलेंगे और उसके बाद वॉल्व को एक साइड में रख देंगे। अब वेसल को हम बाहर निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेसल के अंदर एक स्ट्रेनर पाइप है जो बॉटम से लेके टॉप तक है। जिस साइड में स्ट्रेनर है उस हिस्से को हम नीचे की तरफ रखेंगे और स्ट्रेनर पाइप में जिस साइड होल है उसे टेप लगाकर बंद कर देंगे। अब स्ट्रेनर पाइप को वेसल के सेंटर में लगा देंगे, टेप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम वेसल पर कीप लगाएंगे। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सेंड मीडिया 4x8, सेंड मीडिया 8x16, एक्टिवेटेड कार्बन, MnO2, एंथ्रासाइट लेंगे और वेसल में स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सेंड मीडिया 4x8 10 kg, सेंड मीडिया 8x16 5 kg, एक्टिवेटेड कार्बन 15 kg, MnO2 20 kg, एंथ्रासाइट 20 kg, एक्टिवेटेड कार्बन 10 kg, सेंड मीडिया 4x8 10 kg, सेंड मीडिया 8x16 5 kg। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेसल 65% से 70% तक ही भरना है, 30% वेसल को ऊपर से खाली होना चाहिए। जो हमने स्ट्रेनर पाइप पर टेप लगाई थी उसे अब हम हटा देंगे। अब मल्टी पॉट वॉल्व को वेसल पर लगाएंगे। और दोबारा से यूनियन पॉइंट को लाइन से जोड़ देंगे। अब प्लांट में लगे 20 इंची जंबो हाउसिंग को खोलेंगे और उसमें 20 इंची जंबो थ्रेड स्पंज डाल देंगे और जंबो हाउसिंग को वापस उसकी जगह पर लगा देंगे। अब एल्कलाइन हाउसिंग को खोलेंगे और उसमें एल्कलाइन कार्टेज डाल देंगे। अब प्लांट के ऊपरी कवर को हटा दें और प्लांट में लगी आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग 40-40 के ऊपर वाले हिस्से की यूनियन खोलें। और मेम्ब्रेन हाउसिंग में लगे SS लॉक रिंग को इस तरह से निकालें। मेम्ब्रेन हाउसिंग का एंड कैप बाहर निकालेंगे। आरओ मेम्ब्रेन 40-40 लेंगे। एक पाउच में आरओ मेम्ब्रेन रिंग होगा, उस रिंग को लेंगे और देखें कि आरओ मेम्ब्रेन पर एक स्टिकर लगा है और उस पर एरो का निशान बना है। अब रिंग को मेम्ब्रेन पर एरो की बैक साइड में लगाएंगे, जो मेम्ब्रेन में एक स्लॉट दिया गया है। अब ग्लिसरीन और वैसलीन लेंगे और रिंग के चारों तरफ लगा देंगे जिससे कि रिंग स्लिप ना हो। अब आरओ मेम्ब्रेन को रिंग वाले हिस्से की तरफ से मेम्ब्रेन हाउसिंग में लगा देंगे।
हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि रिंग वाली मेम्ब्रेन का हिस्सा फीड वाटर की तरफ होना चाहिए, जो हमने हाई प्रेशर पंप से फीड वाटर मेम्ब्रेन को दिया है। 250 LPH RO प्लांट में एक मेम्ब्रेन इंस्टॉल होगी 40-40, 500 LPH RO प्लांट में दो मेम्ब्रेन इंस्टॉल होगी, 1000 LPH RO प्लांट में एक मेम्ब्रेन इंस्टॉल होगी 80-40। एंड कैप को मेम्ब्रेन हाउसिंग में पुश करके लगाएं, कैप को अच्छे से ठोक कर फिट करें। अब SS लॉक रिंग लगा दें, फिर पाइप को यूनियन कनेक्शन से जोड़ दें। अब रॉ वाटर इनलेट को रॉ वाटर फीड टैंक से जोड़ेंगे, फिर बैकवॉश वाली लाइन को वेस्ट वाटर की लाइन से जोड़ देंगे। अब प्योर वाटर की लाइन को प्योर वाटर टैंक से जोड़ देंगे, फिर रिजेक्ट वाटर लाइन को वेस्ट वाटर लाइन में जोड़ देंगे। और अब प्लांट की सभी लाइंस को अच्छे से चेक कर लें और यूनियन थ्रेड को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब प्लांट में दिए डोजिंग टैंक में 50 लीटर्स प्योर वाटर भर देंगे और उसमें एंटी स्केलिन केमिकल डालेंगे 50 ml। डोजिंग टैंक में दी फ्लोटी को अच्छे से लटकाएं और डोजिंग टैंक और टैप को भी अच्छे से लगाएं। अब हमारा प्लांट रनिंग कंडीशन में आने के लिए तैयार है। सबसे प्योर, सबसे हेल्दी।